हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक जुगाड़ है। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में, जिसमें कि हम रिपेयर करेंगे एक माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन को। ये हमने इसको जो है एक कबाड़ की दुकान से उठाया है और इसको हम रिपेयर करके बनाएंगे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही अच्छा ग्रिलर। तो बेसिकली ग्रिलर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि हम खाने को तल सकते हैं, गरम कर सकते हैं, इसमें आप केक बना सकते हैं, बाल्टियाँ सेक सकते हैं और नॉन वेज या चिकन भी इसमें आप फ्राई और रोस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा माइक्रोवेव ओवन है जिसे हमने कबाड़ से लिया है, इसे हम ऑन करके देखते हैं कि ये सप्लाई में लगाने के बाद कैसा ऑन होता है। तो देखेंगे आप, जो मैंने इसे सप्लाई में कनेक्ट किया है और ये ऑन किया, देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रही है। यहाँ लाइट भी जलता हुआ आपको दिखेगा, मगर उसके बाद की जो स्विचेस हैं इसके लिए कोई भी स्विच काम नहीं कर रहा है, ना इसका टाइमर काम कर रहा है, ना ही स्विच काम कर रहा है। तो हम इसी को रिपेयर करके और इसे हम हमारे हिसाब से कस्टमाइज एक ग्रिलर बनाएंगे, जिससे कि हम खाने को ग्रिल कर सकें और खाना पका सकें, और इसके अलावा हम इसमें जो चिकन रोस्ट कर सकें, केक बना सकें, इस तरीके के इसके काम में लेंगे। चलिए हम इस माइक्रोवेव को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या रहता है बेसिकली। तो इसके जो स्क्रू हैं मैंने सब ओपन कर लिए हैं और मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें इधर एक ये सर्किट लगा हुआ है, ऊपर भी यहाँ पे एक सर्किट लगा है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारा यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर दिखेगा आपको, जो कि माइक्रोवेव के लिए है। और ये इसका जो है ये माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है, जिससे कि खाना बनता है, पकता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये एक पूरा ये ऑपरेटिंग सर्किट है, जो माइक्रो कंट्रोलर सर्किट कहलाता है, ये सर्किट लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें ऑन हो रही हैं मगर ऑपरेट नहीं हो रही हैं, और ये रिपेयरेबल भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी काम करके देखा बट ये रिपेयर नहीं हो रहा है। तो अब हम इसे एक बहुत ही पावरफुल ग्रिलर में कन्वर्ट करेंगे, देखिए कुछ चीज़ें यूज़ करते हुए। जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट पे काम करें तो सबसे पहले सेफ्टी होती है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो वायरिंग है, आप देखेंगे ये अर्थिंग जुड़ी हुई है, तो हम इसको नहीं काटेंगे, ये ऐसा कैसे रहेगा। उसके अलावा ये जो दो इनपुट वायर इसमें आए हैं एसी के, हम इन्हें निकाल देंगे, ये हम यूज़ करेंगे इन्हें। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक फ्यूज़ इसमें लगा हुआ है, ये फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ को ही हम इस्तेमाल करेंगे सर्किट ब्रेकर के तौर पर। और इसके अलावा जो इसमें ये यहाँ पर आप देखेंगे ये एक ये हीटर कॉइल यहाँ लगी है, जो ग्रिलर कॉइल कहलाती है, एक ये लगी हुई है और एक इधर पीछे लगी हुई है, मैं आपको इसमें ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये एसी इनपुट के जो वायर्स थे ये हमने निकाल दिए हैं, दोनों मेन और फेस और जो न्यूट्रल वायर होता है, अर्थिंग हमने लगी रहने दी है, ये हमारे सेफ्टी के लिए है। और पीछे हमने इसे ओपन कर लिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये एक और यहाँ पे ग्रिलर कॉइल लगी हुई है, ये देखिए उसी जैसी सेम। और उसके अलावा यहाँ पे ये एक फैन लगा हुआ है, जो कि इस ग्रिलर कॉइल को जो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, हम इस फैन को भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे ये एक जो इसका थर्मोस्टेट लगा हुआ है, हम इसे कट कर देंगे, हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। इसकी वायरिंग ऑलरेडी कटी पटी है, तो हम इसकी पूरी वायरिंग फिर से करेंगे नई। तो हमें यहाँ पे जो बेसिकली यूज़ करना है वो ये वाला कॉइल यूज़ करना है, जो ग्रिलर कॉइल आप देखेंगे ये ग्रिलर कॉइल, और उसके अलावा ये फ्यूज़ को हम इस्तेमाल करेंगे, और ये ग्रिलर कॉइल और ये फ़ैन यूज़ करेंगे बस। और इसके साथ में एक जो नीचे एक रोटेशन मोटर होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो इसके अंदर ये देखिए ये एक ये दिख रहा है, ये मोटर है जो कि गोल गोल घुमाती है, किस इस पर प्लेट रखी रहती है जो कांच की उसे, तो हम इसे भी कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि जो हमारा खाना है वो चारों तरफ से बराबर पके। तो हम इसे भी कनेक्ट करेंगे, इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके इस ग्रिलर को ऑन करेंगे। तो ये जो मोटर है आप ये देख सकते हैं ये 230 वोल्ट एसी पे काम करती है, तो हम इसे डायरेक्ट सप्लाई में, अभी हमने इसकी वायरिंग काट दी है, इसे चालू करके देखते हैं कि ये वर्किंग है कि नहीं, अदरवाइज हमको ये मोटर बदलनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने इसमें सप्लाई में जोड़ा है, आप देखेंगे ये बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो ये घूम रही है, ये मोटर हमारी वर्किंग में है। तो हम इसके ऊपर जो हमारी कांच की प्लेट है उसे रखेंगे तो वो बराबर खाने को रोटेट करेगी। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये एक पीछे वाली जो हीटिंग कॉइल थी, उसके साथ में यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है, जो कि देखेंगे आप यहाँ पे भी है, और इसके बाद अंदर भी ये रोटेट करता है एयर को। तो हम इसे चला के देख लेंगे कि ये भी ऑन है या नहीं। तो ये भी 220 वोल्ट पे काम करता है एसी पे ही, तो हम इसमें डायरेक्ट सप्लाई दे के देखेंगे। देखिए तो आप देखेंगे ये फ़ैन रोटेट होने लगा है, मतलब ये फ़ैन सही है, तो ये भी सही है। तो
ये जो हमारे नीचे जो मोटर लगी है सिंक्रोनस मोटर जो प्लेट घुमाती है इसकी वायरिंग हमने कट कर ली है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है इसे भी हमने इसकी वायरिंग को भी कट कर लिया है। और इसके बाद ये हमारा जो देखेंगे आप ये जो दो वायर हमने निकाले हैं ये हमारे हीटर कॉइल के वायर हैं। इसके बाद हमने मेन सप्लाई पे ये फ्यूज़ कनेक्ट कर दिया है ये दो वायर ये वायर और ये वायर हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हमने ये जो फ़ैन था और ये हीटर कॉइल था इसे कनेक्ट कर दिया है। ये वायर हम इन्हें आपस में क्रिप कर देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से कि ये जो है स्पार्क ना हो। और इन्हें क्रिप करके हमने यहाँ पे इसकी भी वायरिंग हमने यहाँ निकाल ली है। ये जो हमने लिया है वायर ये और ये वाइट वायर है जिसे हम अभी कट कर लेंगे। तो ये जो हमारे सप्लाई वायर्स थे हम इन्हें रेडी करके कनेक्ट करेंगे। ये जो फ्यूज़ हमने लगाया था इसे हम फेस पे लगाएंगे और उसके हिसाब से वायरिंग कनेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारा उस तरफ से जो हमारा हीटर कॉइल और फैन कॉइल के वायर आए हैं ये देखिए ये है और ये वाला हीटर है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और साथ में इस सप्लाई वायर को भी इसके साथ ही जोड़ेंगे। तो हम इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे और ये जो सप्लाई वायर है हमारा इसे भी हम इसी के साथ जोड़ देंगे। और उसके बाद जो दूसरा वायर है यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला इसके लिए हमने ये दूसरे जो पूरी कनेक्शन है ये अलग तैयार कर रखे हैं। ये देखिए ये आप देखेंगे इसके ये ब्लैक कलर के कनेक्शन हैं हमने इसके साथ जोड़े ये रेडी करेंगे इन्हें जोड़ के। तो ये जो हमारे पूरी वायरिंग थी हमने इसे कनेक्ट करके टेप कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे ये फ्यूज़ के थ्रू जा रहा है एक वायर और एक वायर हमने ये डायरेक्ट लिया है। तो जो फ्यूज़ के थ्रू गया है इसमें हमने ये कलर कोडिंग के हिसाब से वायर जोड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ब्लैक और ये इधर भी हमने जो पीछे जो दोनों हीटर्स के वायर थे वो जोड़ दिए हैं और उसी वायर को हमने आगे बढ़ा के मोटर और यहाँ के बल्ब पे जोड़ दिया है। जो दूसरा वायर है वो हमारा ये हमने जो सप्लाई के लिए जो यूज़ किया वो ये है वो यहाँ पे आया है ये ब्लू पे और ये यहाँ पे रेड और ये ब्लैक के थ्रू जो पीछे वाला इंडक्शन कॉइल है जो हमने पीछे लगाया है फ़ैन के साथ उस पर भी गया है। तो हमने ये पूरी वायरिंग कंप्लीट कर ली है अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे। तो ये जो हमारा ओवन था इसका हमने सामान जो था सब निकाल दिया है। ये जो इसका माइक्रोवेव ट्रांसफार्मर था और ये एक इसकी SMPS सप्लाई थी कैपेसिटर था ये सब निकाल दिया है। और ये जो इसका मैग्नेट्रॉन है ये भी निकाल देंगे। सिर्फ हमने इसमें हीटिंग और कन्वेक्शन ऑन किया है और अब हम इसे आपको चला के दिखाएंगे। तो ये जो हमारा हमने कबाड़े में से जो ओवन उठाया था हमने इसे रेडी कर लिया है और इसकी हमने जो ये जो गोल घूमने वाली मोटर है इसे भी ऑन किया है। अभी अगर आप इसमें कुछ जैसे कुछ ग्रिलिंग का या आप इसमें कुछ रोस्टिंग का काम करें तो आप इसमें प्लेट रख के जो इसकी प्रॉपर कांच की प्लेट आती है वो रख के कर सकते हैं। अभी हम आपको सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए इसमें पानी रख के दिखा रहे हैं ये गर्म हो रहा है यानी। तो ये देखिए ये पानी है और मैं आपको इसका टेम्परेचर बता रहा हूँ अभी 27.9 डिग्री है। और मैं अभी ये स्टैंड रख रहा हूँ इसमें एक जिसपे इसको ऐसे रख सकूँ ये गोल घूम के गिरे नहीं। तो ये मैंने इसके अंदर रख दिया है और अब मैं इसे ऑन करूँगा। तो ये जो हीटर था मैंने इसे ऑन कर दिया अभी गेट ओपन है और मैं आपको अभी ऐसे में इसका टेम्परेचर दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये इधर कन्वेक्शन रॉड का टेम्परेचर आ रहा है ये 41 डिग्री जो दिखा रहा है और ये ऊपर हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर है ये देखिए। और मैं इसका गेट अभी बंद कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ ये कितनी देर में कितना गर्म होगा। तो मैंने ये बंद कर दिया है और यहाँ पे मैंने इसे एक मिनट चला के बंद किया है और अब मैं आपको इसके अंदर का टेम्परेचर बता रहा हूँ। ये देखिए 109.6 है लगभग सेम टेम्परेचर है सभी जगह। और मैं अब ये पानी इसमें से बाहर निकाल रहा हूँ और मैं इसे चेक करूँगा कि ये कितना गर्म हुआ है इतनी देर में। तो आप देखेंगे जो पहले की रीडिंग थी वो 27.6 थी और अभी 34.9 ऐसा है टेम्परेचर इसका। और इसको हम रेगुलर चलाएंगे तो ये पानी बॉईल भी हो जाएगा और जैसे कि मैंने बताया ये रोस्टिंग और ग्रिलिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है कोई भी बना सकता है और सबसे मेन चीज़ इसमें आप किसी भी तरीके के बर्तन को रख के इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हीटिंग में यूज़ होगा। इसके लिए जनरली आपको स्पेशल पर्पज़ के माइक्रोवेव बर्तन नहीं चाहिए नॉर्मल बर्तन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखें इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हुए। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और घर में रहें सेफ रहें।